संभल में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव संभल के बबराला में पहुंचे। वहां पहुंचकर आदित्य यादव के लिए जनसभा की। जनसभा में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। संभल जनपद के नगर बबराला में पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे, जो नगर बदायूं लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां बदायूं से शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव मैदान में हैं, जो सपा का गढ़ माना जाता रहा है। जहां सीएम योगी के बाद आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हैं। इन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है और हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बीजेपी ने सेना की 4 साल की नौकरी की है और अब की बार आ गए तो पुलिस की भी 3 साल की नौकरी कर देंगे। संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। हमारी सरकार आपको बढ़िया गुणवत्ता का राशन और तमाम सुविधाएं देगी। सरकार को 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। भैया को आपने पैसा वसूला, बताओ दवाई महंगी होगी कि नहीं होगी? अगर आप अपने पेट के दर्द की दवा लेने जाते होगे तो बताओ महंगी हो गई पहले से कि नहीं हो गई? कुछ दवाइयों के पर्चे छोटे हो गए हैं, गोली छोटी कर दी इन्होंने, बताओ मुनाफा कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं? ये जो बीजेपी वालों ने चंदा वसूला, जिन लोगों से वही लोग मुनाफा कमा रहे हैं, उसी की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।